कमलापति वाइट चलो। इतना जल्दी केला बाटली वाला चलो। यस यस डॉक्टर डॉक्टर। बैठिए मत इस हालत में आप बैठ नहीं। चलिए लेट जाइए लेट जाइए लेट जाइए। संभाल के। अरे बाप रे। ओ डंडा नीचे। सुनना पड़ेगा। हाँ मारता मारता मारता। ये तो आपका आखिरी महीना चल रहा है और आप ऐसे मटक के आ रही हैं जैसे कुंवारी हैं। क्यों बात कर रही हो डॉक्टर? ना मैं पेट से है और ना मैं औरत है। तो फिर ये क्या है? तो छोकरी छो भी कुंवारी। ठीक है ठीक है ठीक है। मगर तकलीफ क्या है? तकलीफ तो ये है कि कोई मेरे को तकलीफ ही नहीं देता है। अरे ये क्या तकलीफ हुई? ओ डॉक्टर मारा जिंदगी में ट्रेजेडी ट्रेजेडी छे। बेचारी बेचारी नहीं बीमारी। बीमारी क्या बीमारी क्या बीमारी? जब भी मैं किसी आदमी को देखता है तो मारा दिल नहीं गंदी वागवा लागे छे जोर जोर थी। क्या बचती है? गंदी गंदी गंदी। समझ गया। क्या करूं डॉक्टर नाड़ी चूहा। अच्छा ये नाड़ी ना ये नाड़ी नहीं 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 ये नाड़ी 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 चोकड़ी हूँ ना। एक दिन मारा जिंदगी में एक बूढ़ा आया था उसको देखकर भी मारी दिल की घंटी वागवा लगी थी। बुढ़े को देखकर भी दिल की घंटी वागवा लगी? मुझे देख के तुम्हारे दिल की घंटी वागवा नहीं लगी। डॉक्टर पेशेंट के बीच में बोला तो तुम्हारी भी वागवा वागवा कर दूंगा। यस प्लीज। डॉक्टर मारा जिंदगी में एक जवान आदमी आया था फिर उसको देख के भी मारी दिल नहीं गंदी वागवा लगी थी। फाइन वेरी गुड। लेकिन वो दोनों मर्द को मेरे पर बिल्कुल दया नहीं आया। वो दोनों मेरे को छोड़ के चला गया। क्या करके? छोड़ के छोड़ के छोड़ के। तुम एक काम करो डॉक्टर। क्या काम क्या काम? तुम मेरा नसबंदी कर दो। माय गॉड नसबंदी मेजर ऑपरेशन डेफिनेटली। तुम मेरा दिल का घंटी काट देगा तो मेरा सारा अरमान कट जाएगा। फिर किसी भी आदमी को देखकर मारा दिल नहीं गंदी ना वागे। नहीं 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 नहीं। तुम कैसी निराशावादी बातें करती हो? अभी तुम जवान हो खूबसूरत हो नाजुक हो स्वीट 16 हो। इतनी जल्दी घंटी मत कटवाओ। सुनो एक काम करो मैं तुमको एक दवा देता हूँ जिस मर्द को भी खिलाओगी उसकी घंटी अपने आप वागवा लगेगी और तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। रियली? अरे रियली क्या मैंने कितनों की घंटी वागवाई है? यू सी माय मिक्सचर। होल्ड ऑन होल्ड ऑन। मुझे देख के अब घंटी बजी? नहीं जंग लग गया है। इसको भी देखकर मारी दिल्ली कंटी वागवा लगे छे। डॉक्टर भी हैंडसम छे। दवाई तो ये बना रहा है। हाँ क्यों ना मैं ये दवाई इसी को पिला दूं? ये रहा शर्तिया मर्द की घंटी बजाने वाला मिक्सचर। 21 साल का फॉर्मूला। जिस जिस मर्द ने इसको पिया उसकी बजी। अरे ये क्या कर रही हो क्या कर रही हो? उई पेला डॉक्टर दत्तू मेरे सपनों की रानी बेला कहाँ है तू? नहीं छोड़ूंगा बेला। कब से हूं मैं अकेला? मेरे सपनों की रानी बेला दत्तू। ओ मेरी बुलबुल मेरी बुलबुल बेला मैं क्यों रहा तुझ बिना अकेला? बेला चल बेला चल चलो तू मुझे ले चल। चल बेला मैं दीवाना। डॉक्टर साहब बाबा शट अप। डॉक्टर साहब ये शादी नहीं खुदकुशी है। आप हत्या। आज ही क्या हो गया है तुम्हें? अंधेरे में बैठे हो शराब पे शराब पिए जा रहे हो कोई परेशानी है? हाँ सपना मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी जिंदगी में हर जंग जीता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं अपने बेटे से हार जाऊं
बहुत बहुत बदल गया है। अपनी मर्जी से आता है, मर्जी से जाता है, बात करता है तो शब्द कम कांटे ज्यादा होते हैं, कारण पूछो तो मुस्कुराकर टाल देता है। मुझे तो उसकी मुस्कुराहट से भी खौफ लगने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रंजीत हम बाप बेटे के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर रहा हो? पता नहीं, पूछती तो मैं भी हूं लेकिन ठीक से जवाब मुझे भी नहीं देता। हम एक बार जाकर राधा से मिल लेते हैं। रवि राधा को बहुत प्यार करता है, उसने अपने दिल की बात राधा को तो बताई होगी, और अगर उसके दिल में हमारे खिलाफ रंजीत ने गलतफहमी पैदा कर दी है तो वो उसे दूर करेगी। रवि हमारी बात का तो विश्वास करेगा नहीं, इसलिए एक बार हमारा राधा से मिलना बहुत जरूरी है। क्या सोच रही है? मैं ये सोच रही हूँ कि श्राद्ध वाले दिन तुम्हारे माँ बाप के साथ जो सलूक किया था वो ठीक नहीं था। ये तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम पूरी तरह हकीकत से वाकिफ नहीं। 20 साल पहले मेरे दादा दादी ने अपनी औलाद के हाथों जो जुल्म सहे उनकी हकीकत जानना चाहती हो? आओ मेरे साथ। ये डायरी मेरे बूढ़े दादा दादी के दुखों की दास्तान है और मेरे बाबूजी की उन जुल्मों की किताब है जो पिछले 20 साल से वो करते आ रहे हैं और 20 साल से लोग सहते आ रहे हैं। इसे पढ़ो। इसे पढ़ने के बाद तुम्हारे जहन पर पड़े शक के पर्दे हट जाएंगे और उन पर्दों के पीछे तुम्हें सच्चाई रोती हुई नजर आएगी। लो, पढ़ो इसे। नहीं रवि, हालात देखने के बाद ये डायरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। रवि। हाँ जी दादाजी। ये कौन है? ये वो मेरी नानी है। नहीं ये वो कौन हो तुम? नाम भी नहीं मालूम। नहीं वो नाम याद आ गया, इसका नाम राधा है और ये गोभी फूल अपना फूलचंद जी की बेटी। पांव छूने के लिए कह रहा है बेटी, जोर से बोला करना। बस बेटी बस, अरे बस 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 बेटी, ये पकड़। बेटी तेरा बाप और मैं बहुत जमाने के दोस्त हैं। एक बात बोलता हूँ, बुरा मत माना, जिस दिन तू पैदा हुई थी ना तो तेरा बाप धाड़े मार मार के रो रहा था। ऐसे रो रहा था सारे शहर में भौंचाल आ गए, इतने मोटे मोटे आंसू गिरा रहा था वो। लेकिन अब भगवान का शुक्र अदा करता है कि भगवान ने उसको इस बेटी की जगह बेटा नहीं दे दिया, मिठाइयां बांटता फिरता है वो। बेटी एक खास बात बोलूं? क्या है उधर देख, ये जो रवि है ना ये अपने दादा की तरह थोड़ा सनकी है, जरा ख्याल रखना इसका। दादी अजी बस भी कीजिए ना। क्यों, क्या बच्चों से ऐसी बातें करते हैं? ये क्या बात हुई? तो मेरे घर जब पहली बार आई थी तो मेरे पिता ने तुमसे नहीं कहा था ये गंगाराम थोड़ा सनकी है, इसका जरा ख्याल रखना? कहा था या नहीं? हाँ, मगर उस रोज मैं ब्याह कर आपके घर आई थी। तो ये भी आ जाएगी? कितना वक्त लगने वाला है? मैंने जिंदगी में भगवान से कुछ नहीं मांगा मगर ये बहुत जरूर मांगूंगा। और इसके माध्यम से साफ लिखा है कि दुनिया में कहीं नहीं जा सकती, सिर्फ गंगाराम की बहू बनकर आएगी। क्यों बेटी, सही कह रहा हूँ ना?